नमस्कार जी। आज इस मीटिंग के अंदर जो कि गुजरात में हो रही है, मैं ये ऐलान करता हूं क्या आप सभी को मैं इतना पानी दूंगा गुजरात के लोगों, क्या आप सोचोगे कि अब ये ड्राई स्टेट नहीं बचा, अब ये वेट स्टेट हो गया है। भले ही मुझे सिसोदिया को लगाना पड़े रोज आपके घर घड़े भर करके दे करके जाएगा, लेकिन आपके घर पानी पूरा पहुंचेगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी। और जिस घोटाले में वो पकड़ा गया है उसकी भी साथ में एक एक बोतल फ्री। और मैं आपको बता दूं, बिजली तुम रेडी तो हो ना, मैं आप सभी को बिजली प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री में। वही बिजली जिसको भेज करके, मतलब जिसको दे करके मैंने दिल्ली के अंदर दो बारी जनता को बेवकूफ बनाया है। और बिजली की तारें ऐसी होंगी कि जिनके अंदर करंट नहीं लगेगा लेकिन करंट पूरा आएगा, समझ रहे हो आप। बिजली तो अपने आप में करंट मार देती है। सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मुद्दे से भटक जाता हूँ फिर। हाँ, तो मैं कह रहा था आपको बिजली फ्री, पानी पहले मैं दे चुका हूं फ्री, उसके बाद आप लोगों के जितने भी और जो भी बिल हैं, जो और जो भी चीजें हैं, आपका मोबाइल का रिचार्ज मेरे यहां के बंदे आके करेंगे, आपके बंदे। भाई मेरे बंदे आपके बंदे एक ही बात है ना, आप में सभी लिपट जाता है भाई। अगर पत्नी अपने पति को फोन कर रही है तो वो आपका ही बंदा हो गया, आपका भी बंदा हो गया, बस फिर तो खैर आपके बंदे आकर के आपके पास आपका रिचार्ज का बिल भरेंगे। आप बोलोगे तो आपके लिए सब्जी यहां भी ले आएंगे, सुबह के दूध के लिए मैं लोगों को भेजा करूंगा, स्पेशली जो झाड़ू लगाते हैं बंदे उनसे मैं बोलूंगा कि भाई इनके घर की तरह ज्यादा सफाई कर दो, दिवाली आ गई है। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जी, आपके पास आपका नेटवर्क लाल है, ओ मतलब केजरीवाल है ये वाला, ऊपर वाली फोटो नीचे वाला रियल। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो बंदा है वो हर तरीके से रिलायबल है। मैं तो जी मोदी जी को मानता हूं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश है। एक बार अगर आपने मुझे सीएम बना दिया गुजरात का, तो उसके बाद जी मेरी पीएम बनने की जो कुर्सी है ना, वो जो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि वो पहले सीएम गुजरात के थे मोदी जी और उसके बाद पीएम बने सीधा। तो मेरा तो सिर्फ एक ही आपसे अनुरोध है कि अगर आप सुबह ब्रेड लाने से लेकर के रात को सोने से पहले दवाइयां मंगाने तक जो भी चीज आप करते हैं, अरे आप बोलोगे आपके घर के गेट भी बंद कर जाऊंगा जी, मैं खुदा करके करके जाऊंगा ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर आप बोलेंगे कि आपके एरिया के अंदर कोई नाला बह रहा है उसको बंद कराना है, मेरे बंदे आएंगे पहले झाड़ू मारेंगे ये वाली, और फिर उसके बाद साफ करेंगे और उसके बाद उसको बंद करा देंगे ताकि वह बदबू वगैरह ना फैले जी। जितने मेरे भाई लोग हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, उन सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने इस बेटे को एक बार मौका देके देखिए, एक बार मौका दीजिए। उसके बाद अगर आपने, आपके सपनों में नहीं आया ना मैं तो बात रही, आपके सपनों में भी इस तरीके से आऊंगा कि आप बोलोगे अबे किसको बुला लिया, किसको बना दिया, किसको दे दिया, किसको। लेकिन चेंज बहुत जरूरी है जी, चेंज के बिना कुछ नहीं होता। आप स्कूटर से उतरे, आपने उसको 500 का नोट दिया, वो कहेगा नहीं चेंज करा के लाओ। तो चेंज हमेशा आपको करते रहना चाहिए। और मैं आपसे एक और वादा करता हूँ, ट्रांसपोर्ट की पोजीशन को मैं ऐसे सुधार दूंगा जैसे मैंने दिल्ली की सुधारी है। थोड़ी सी बारिश होती है, लोग अपने घरों से व्हीकल लेके नहीं निकलते हैं, अपनी स्कूटी या अपना गाड़ी लेके नहीं निकलते, ना 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 बच्चों वाली चीजें नहीं, ना सीधा अपनी बोटें निकालते हैं, बोट, और गड्ढे इतने करवा दिए मैंने कि पानी भर जाता है अपने ऑफिस, पानी के अंदर बोट डाल करके और छपड़ छपड़ छप्पू चलाते पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति कर दूंगा कि आपको याद रहेगा कि एक बंदा पैदा हुआ था केजरीवाल नाम का और उसने आपके साथ कुछ अच्छा किया है पक्का। तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, गुजरात के डांडिया की कसम, एक बार मुझे आप ला करके देखो और फिर देखो मुझे, इतने मजे लगा दूंगा आप बोलोगे वाह, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट केजरीवाल इज द बेस्ट। अब अपनी तारीफ में मैं कसीदे क्या पढूं, मैं हुई तारीफ के लायक।
अभी तक पकड़ा नहीं गया हूं किसी भी मामले में, आगे भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो मुझसे आप ये भी सीख सकते हो कि बचना कैसे है, समझे? अच्छा जी, मैं रख रहा हूं, जय झाड़ू की।